नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाली इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। चमोली के मलारी सुमना क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा में सेना राहत और बचाव कार्यों में युद्ध स्तर पर लगी हुई है। ताजा जानकारी के आधार पर घटनास्थल पर बीआरओ के कुल 402 श्रमिक थे, जिनमें से 384 को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनमें से 7 घायलों को आर्मी अस्पताल जोशीमठ में भर्ती कराया गया। घटनास्थल से 10 शव बरामद कर लिए गए हैं और लापता 8 श्रमिकों की तलाश की जा रही है। दिन रात राहत और बचाव कार्यों में लगातार टीमें जुटी हुई हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की ओर से वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के जरिए कांग्रेस ने अस्पतालों में उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की सरकार से मांग की है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि ज्ञापन में 1000 ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध कराने, अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता, जीवन रक्षक दवाइयों और इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की मांग की गई है। कोरोना महामारी के चलते थाना मुनकीरेती में 2 कंटेनमेंट जोन बने हैं। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 12 लोग यहां कोरोना पॉजिटिव निकले थे। इन सबको देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर जब तक इस क्षेत्र के सभी लोग नेगेटिव नहीं होते तब तक कंटेनमेंट जोन बना रहेगा। फिलहाल वो पुलिस बल तैनात है, किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। वहीं थाना मुनकीरेती में 3 चेक पोस्ट पर आरटीपीसीआर की लगातार चेकिंग की जा रही है। तपोवन चौकी पर तैनात डॉक्टर वंदना का कहना है कि रोज कम से कम 40 से ज्यादा ही चेकिंग होती है। जो बाहर से आते हैं वो अपनी कोरोना रिपोर्ट साथ लेकर आते हैं, वरना उनको आगे नहीं जाने दिया जाता। बहादुरपुर जट में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए रात 10 बजे तक शराब की दुकानें खोली गई हैं। धड़ल्ले से यहां पर रात के समय शराब बिकती है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार की गई बाजार बंदी यानी कि लॉकडाउन की स्थिति कुछ शराब दुकान स्वामियों को शायद मंजूर नहीं है। जिलाधिकारी हरिद्वार के आदेशों का उल्लंघन करते हुए बहादुरपुर जट की एक देशी शराब की दुकान रात के करीब 10 बजे तक बेखौफ होकर खोली गई और हरिद्वार में जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए धड़ल्ले से बेची जा रही है। रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णनगर में युवती की गला रेत कर जान ले ली गई। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया कटर और बाइक पुलिस ने बरामद की है। गंगनहर कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह ढोबाल ने बताया कि 24 अप्रैल को निधि की उस समय गला रेत कर हत्या कर दी गई जब वो घर में अकेली थी। मौके पर मौजूद लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया था और अन्य 2 आरोपी फरार थे, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार पौड़ी शहर में साप्ताहिक कर्फ्यू पर जगह जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रही हैं। शादी एवं अन्य आवश्यक समारोह में छूट की वजह से कुछ आवाजाही जरूर नजर आई है। शराब की दुकानों को जरूरी सेवाओं से बाहर रखने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का एक साहसिक फैसला जरूर है, लेकिन सरकार साप्ताहिक कर्फ्यू वाले दिन परिवहन की व्यवस्था बनाने में नाकाम रही है, जिसका उदाहरण आज देखने को भी मिला। कई लोग बस स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार करते नजर आए, लेकिन समय से पूर्व गाड़ी निकल जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हल्द्वानी में फैलते कोरोना प्रकोप के चलते रविवार को लॉकडाउन के दौरान पुलिस प्रशासन स्वास्थ्य विभाग लगातार लॉकडाउन का पालन कराने में जुटा हुआ है। अनावश्यक बाहर निकल रहे लोगों का पुलिस चालान कर रही है। केवल अति आवश्यक कार्य और टैक्सी सर्विस सड़क पर चल रही है। पुलिस और प्रशासन की टीम शहर का मुआयना कर रही है। SDM विवेक राय खुद पूरे शहर का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरे शहर के लोगों को कोरोना के घातक प्रकोप के बारे में पहले से जानकारी दी गई है, लिहाजा लोग भी सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा भी लोगों से अपील की गई कि अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बावजूद इसके जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नगर निगम की टीम द्वारा भी बाजार को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा प्रशासन हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में ऑक्सीजन युक्त कोविड अस्पताल शुरू करने के लिए तेजी से कार्रवाई कर रहा है। थोक उपभोक्ता भंडार हरिद्वार में काम करने वाले राघवेंद्र शर्मा की 4 साल पहले राजेश्वर प्रसाद कर्मचारी की 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी। परिजनों का कहना है कि 4 साल से लगातार उपभोक्ता भंडार के वो चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके पिता का बकाया रुपया अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया है। यहाँ पर हर साल नए सचिव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोई भी हमारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है और सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया है, फिर भी कोई सुध-बुध नहीं ले रहा। मृतक की पत्नी और बेटे ने अब लेबर इंस्पेक्टर से गुहार लगाई है। जोधपुर में कोविड-19 के चलते हो रही मौतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। शमशान घाट में भी शवों को जलाने की जगह नहीं मिल रही। शमशान घाटों में लोगों को अपनी अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। शमशान घाट में एम्बुलेंस द्वारा शवों को लाया जा रहा है और जलाने का प्रबंध किया जा रहा है। शव को लाते हुए और जलाने तक के बीच सब लोग सावधानी बरतते हुए पीपी किट का और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि ये महामारी उनके जरिए कहीं और तक ना फैले। हालांकि पूर्णतः रविवार को लॉकडाउन की कंडीशन होने के बावजूद भी बाजार में और अन्य चौराहों
रुद्रपुर शहर में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहा और आने जाने वाले वाहनों लोगों से पूछताछ कर उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए लॉकडाउन के कंडीशन को फॉलो करने की बात कही गई। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।